लेकिन ये तो कई कई मिलियंस के वाउचर्स हैं। जी जी मैडम, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। सच सच बताओ। यही सच है मैम जो आपको बता रहा हूँ, मेरे साइन हैं इन पर। जिन पार्टीज को तुमने पेमेंट्स की उनकी रिसीट्स हैं ना? रिसीविंग तो ली होगी तुमने। जी जी होंगी, मैं देख लूँगा मैडम। व्हाट यू मीन देख लूँगा? मुझे रिसीट्स चाहिए अभी और इसी वक्त। मैडम वो आपको पता है मुझ पर वर्कलोड कितना है, तो कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। मुझे नहीं पता, रिसीट्स ढूंढो और दिखाओ मुझे जस्ट नाउ। मैडम वो कई माह पुरानी हैं। सॉरी, मुझे ये बहाने नहीं चाहिए, मुझे रिसीट्स चाहिए। वो रिसीविंग दिखाएं मुझे। ओके बॉस, आपकी मदद आगे बाद में बात करते हैं। किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं मैम। देखो मदर, या तो मैं अहमर की हूँ या फहद की, दोनों में से किसी एक से बात कर रहे थे डेफिनेटली। फोन देखा। सी, मैं इधर उधर से बहुत सुनती थी कि तुम फहद की बड़ी चमचागिरी करते हो, आज देख भी लिया। चमचागिरी क्या मैम? वो तो बॉस है हमारे। तुम जैसे लोगों की कंपनी में रह के बिगड़ा है और तुम लोग अपने छोटे छोटे मकासद के लिए उसे और शह देते हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें अपनी जॉब अजीज है ना, तुम्हें उससे फासले पे रहना होगा, समझे? सॉरी मैम, आइंदा मैं अपने काम से काम रखूंगा। बेटर। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा। अब देखो ना, हमने एक साथ रहना है और फिर बिजनेस भी तो शेयर करा ना वो हमारे साथ, तुम कैसे उसे अवॉइड कर सकती हो? एक दफा मिलके बात तो करके देखो वो कहना क्या चाहता है। तो फिर आप भी बैठेंगी, मैं इस तरह अकेले नहीं बैठूंगी उसके पास। नहीं देखो, मुझे अगर वो बिठाना चाहता तो मुझसे बात करता, तो तुमसे अलग से बात करना चाह रहा है तो बात करके देख लो, इसमें हर्जी क्या है? ओके, आई विल थिंक अबाउट दैट। फिर उससे मिलके बताऊंगी कि वो क्या कह रहा है। देखो बात क्या करनी होगी, उसने तुमसे सॉरी कहना होगा ना। सॉरी? रियली मॉम, वो जितना मर्जी सॉरी कर ले, वो वक्त तो वापस लौट कर नहीं आ सकता है ना, ना ही मेरा फहद वापस आ सकता है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं बदल सकती। Understand, please, Sarah. Get up, relax. बस मेरी जान, please.